नेपाल में काबिल खिलाड़ियों की भरमार, फिर भी आईपीएल में नहीं है खिलाड़ियों की दरकार। कौन है जिम्मेदार, नेपाल का क्रिकेट बोर्ड या फिर नेपाल की सरकार? दुनिया के सबसे बड़े, सबसे रोमांचक क्रिकेट मुकाबले आईपीएल की शुरुआत हो गई है। आईपीएल में दुनिया भर के क्रिकेट खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, लेकिन उसमें नेपाल का कोई भी क्रिकेटर शामिल नहीं। कुछ सीजन पहले नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने को आईपीएल में खेलने का मौका मिला, लेकिन जेल जाने की वजह से लामिछाने का आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। उसके बाद से आज तक किसी भी नेपाली क्रिकेटर को आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइजी ने बोली ही नहीं लगाई। ये शोचनीय प्रश्न है, क्योंकि नेपाल में क्रिकेट प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। नेपाल की क्रिकेट टीम में एक से बढ़कर एक ऐसे उम्दा खिलाड़ी हैं जो केवल आईपीएल ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम में शामिल होने की हैसियत रखते हैं। नेपाल के 5 क्रिकेटर आईपीएल के असली हकदार हैं। पहले आपको बताते हैं कि नेपाल के उन 5 उम्दा क्रिकेटरों के बारे में। संदीप लामिछाने, नेपाल की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व आईपीएल प्लेयर संदीप लामिछाने की फिरकी के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज नतमस्तक हो जाते हैं। संदीप की फिरकी से प्रभावित होकर महज 17 साल की उम्र में आईपीएल में उनका सिलेक्शन हुआ। दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से संदीप लामिछाने ने 9 मैच खेले और 13 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बदकिस्मती वो आगे आईपीएल में कंटिन्यू नहीं कर पाए। कुशल भुरतेल, रोहित पौडेल, आसिफ शेख, करण केसी जैसे ना जाने कितने दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने जबरदस्त दमखम दिखाया है खेल में। जिन खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनके दमखम की बदौलत ही नेपाल एशिया कप और विश्व कप क्रिकेट के लिए क्वालिफाइंग दौर में है। लेकिन बावजूद इसके अगर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा तो उसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है, नेपाल क्रिकेट बोर्ड। आईसीसी हर साल नेपाल क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ी रकम नेपाल में क्रिकेट की सुविधाओं और क्रिकेट खिलाड़ियों के बेहतर संसाधन मुहैया कराने के लिए देती है, लेकिन उसके बाद भी क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को बेहतर प्रैक्टिस, बेहतर संसाधन देने में अब तक नाकामयाब रहा। इन खिलाड़ियों ने अपने टैलेंट के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपना मुकाम बनाया और अभी तक एशिया कप और विश्व कप के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। नेपाल आज एक अदद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के लिए तरस रहा है। जिस टीयू क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच खेले जाते हैं उसकी हालत देखकर तरस आता है। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों को मिलने वाला भत्ता इतना कम है जिससे खिलाड़ी फुल टाइम अपना गुजारा भी नहीं कर सकते। नेपाल क्रिकेट बोर्ड अब तक कोई बड़ा स्पॉन्सर भी नहीं तलाश पाया जो खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं और संसाधन जुटा सके। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, जिस मुल्क की ना तो सरकार का पता ना ही वहां शांति व्यवस्था ही कायम है, बावजूद इसके अफगानिस्तान आज क्रिकेट में बेहतर कर रहा है। अफगानिस्तान के कई खिलाड़ी आईपीएल में सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर अफगानिस्तान जैसा छोटा और गैर जिम्मेदार मुल्क क्रिकेट में उम्दा सहूलियतें जुटा सकता है, अपने खिलाड़ियों को अच्छा प्रैक्टिस और अच्छे संसाधन दे सकता है, तब भला नेपाल क्यों नहीं? नेपाल की सरकार खिलाड़ियों को लेकर इतनी बेपरवाह क्यों है? नेपाल की क्रिकेट और नेपाल के प्रतिभावान क्रिकेटर नेपाल की क्रिकेट की तस्वीर बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार और नेपाल क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों के हुनर को मानना होगा, उन्हें मंच उपलब्ध कराना होगा। इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद नेपाल के क्रिकेट को नीचा दिखाना नहीं बल्कि उन जिम्मेदारों को, उस सिस्टम को जगाना है जो इन खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर संसाधनों को जुटा सके। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।